भारत के 5 राज्यों में हाल ही में पिछले 2 महीनों से चुनाव चल रहे थे, जिसका परिणाम कल 10 मार्च को घोषित किया गया था। अब मैं आपको विभिन्न राज्यों में मिली बड़ी जीत के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 202 सीटों के बहुमत की ज़रूरत होती है। भाजपा को 255 सीटें मिली है, ये बहुत ज़्यादा है, बधाई हो। यह पहली बार होगा जब भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में सत्ता में वापसी करेंगे। यूपी में 1985 से पहले कांग्रेस लगातार कई बार सरकार बनाने में सफल रही थी। 1985 के बाद कोई भी पार्टी एक कार्यकाल के बाद सत्ता में नहीं लौट पाई। अंततः 2022 में भाजपा इसे हासिल करने में सफल रही। अब योगी अपने अच्छे कामों से सत्ता में वापसी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल की है। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी की मायावती को घोर शर्मिंदगी का विषय बना दिया। उन्होंने सिर्फ 1 सीट हासिल की, कितना शर्मनाक। इसी तरह कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली। पहले यह राज्य में एक बड़ी शक्ति थी, लेकिन अब यह कम हो रही है। पंजाब, भाजपा ने यूपी में 255 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की है। पंजाब में एक और बड़ी जीत हुई है। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। 59 सीटों का बहुमत पार्टी को सरकार बनाने में मदद करता है। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती है, वे पहली बार सत्ता में आए हैं। दिल्ली में छोटी क्षेत्रीय पार्टी मानी जाने वाली आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब में अपनी सरकार बना ली है। कांग्रेस की ताकत कम हो गई है। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस 18 सीटें हासिल करने में सफल रही, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने केवल 3 सीटें जीती। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 36 सीटों के बहुमत की ज़रूरत होती है। उत्तराखंड में मौजूदा सत्ताधारी भाजपा सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उसने 47 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसा साल 2000 के बाद पहली बार हो रहा है। कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है। मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 31 सीटों के बहुमत की ज़रूरत होती है। सौभाग्य से भाजपा ने 32 सीटों पर जीत हासिल की और चुनाव जीत लिया। भाजपा नेता नोंगथॉम्बम बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। गोवा में कुल 40 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को 21 सीटों की ज़रूरत होती है। भाजपा को 20 सीटें मिली है। बहुमत से 1 कम, 1 और सीट से उन्हें सरकार बनाने में मदद मिलती। यही वजह है कि भाजपा MGP और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुझे यकीन है कि 5 भारतीय राज्यों के बारे में चुनावी खबरों ने आपको उत्साहित किया होगा। ऐसा लगता है कि भाजपा सत्ता में है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से क्षेत्रीय उम्मीदवार आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब में सत्ता में आई है। यह सब जब भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल देश भर में सत्ता में रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जल्द ही मिट जाएगी, जबकि भाजपा सत्ता में है।
क्या सोचते हैं, क्या आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में सत्ता में आ पाएगी? क्या भाजपा या आम आदमी पार्टी भारत पर शासन करेंगे? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में बताइए।